नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में उसकी परीक्षा थी समाप्त हो चुकी है और बहुत सारे छात्रों की तरफ से रिव्यू आने शुरू हो गए परीक्षा को लेकर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर आज की तारीख में हुई परीक्षा के अंदर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे अगले वीडियो के अंदर आप सभी के सामने सभी क्वेश्चन की जो आंसर की है वो भी यहां से आपको अपलोड करके दी जाएगी, जिससे कि आप लोग अपने क्वेश्चन को सही तरीके से मिला पाएंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप सभी कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। तो सबसे पहले आप सभी कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आप में से लगभग सभी छात्रों ने अपना 100% दिया होगा। अब परिणाम जो भी होगा वो तो आपको रिजल्ट के अंदर पता चल ही जाएगा। अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न को लेकर, तो यहाँ पे जो छात्र फंसते हुए दिखाई दिए हैं अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो जीएस के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले। छात्रों का ऐसा कहना है, ज़्यादातर छात्रों का ऐसा कहना है कि जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है, ज़्यादा टफ देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि कुछ कुछ जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, जिसकी वजह से छात्रों को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज हम समझने की कोशिश करें तो जो पेपर था काफ़ी छात्रों का ऐसा कहना है कि काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर थे तो ज्यादा टफ देखने के लिए नहीं मिला। कुछ छात्रों की तरफ से बताया गया कि जो पेपर था वो मीडियम था, तो हम यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पेपर है मॉडरेट लेवल का देखने के लिए मिला है और जीएस के क्वेश्चन भी अच्छे देखने के लिए मिले थे। ज्यादातर छात्रों की तरफ से यहां पे जीएस के क्वेश्चन में से बताया गया है कि लगभग यहां पे उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन कर ही दिए हैं। एक आधे क्वेश्चन उनकी तरफ से छूट गए जो कि करंट अफेयर से संबंधित थे, बाकी जो रीजनिंग वगैरह थी वो काफी सिंपल देखने के लिए मिली थी। तो जो सामान्य अध्ययन का पाठ था उसके अंदर छात्रों को ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। अगर हम ज़्यादातर छात्रों का एवरेज लेकर के देखें, अगर दो चार छात्रों को समस्या हुई है तो आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लेकर, तो वहाँ पे छात्रों की तरफ से बताया गया कि जो मैथ और साइंस के क्वेश्चन थे उनको लेकर छात्रों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बाकी हिंदी SST वाले छात्र अपनी प्रिपरेशन करके गए थे तो उनके हिसाब का जो पेपर था वो मॉडरेट था, ज़्यादातर छात्रों ने अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। अभी तक जितने भी छात्रों से हमारी बात हुई है उनकी तरफ से यहां पे बताया गया, लेकिन आपका स्कोर कितना है कमेंट करके अवश्य बताएं। उसके बाद मैं कट ऑफ का वीडियो आप सभी के लिए अलग से बनाऊंगा। हालांकि इससे पहले मैंने आप सभी के लिए सेफ कट ऑफ के वीडियोस बनाए थे जो कि आप सभी जाकर के देख सकते हैं। जल्दी आप सभी के सामने आंसर की भी लेकर आने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो पेपर का विश्लेषण अगर हम समझने का प्रयास करें, इस पेपर को हम मॉडरेट कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा टफ नहीं था। ज्यादातर छात्रों की जो हमें अभी तक रिव्यू मिले हैं, बाकी जैसे जैसे छात्र आते जाएंगे और भी यहां से चीजें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। आपके परीक्षा केंद्र पर क्या व्यवस्थाएं देखने के लिए मिली इसके बारे में जानकारी अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।